और अगर आपको फिर भी कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आता है तो मैं तो भाई एक ही बात बोलूंगा आपको, ताले तू चल भाग दो सॉरी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर ₹35,000 फॉर गेमिंग। अब यार इन लैपटॉप्स का परफॉर्मेंस देखकर आप भी एक ही बात बोलोगे, व्हाट? तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अपने लिए एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप मिल जाए। और भाई सारी लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय भी कर सकते हो। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने घंटे को भी जोर से दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाई लिस्ट का सबसे पहला जो लैपटॉप आता है वो आता है HP की तरफ से। और भाई HP आपको हर प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा खासा लैपटॉप ऑफर करता ही है। तो भाई इस लैपटॉप के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें आपको AMD का Ryzen 3 5th जनरेशन का चिपसेट मिल जाएगा, जिसके जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 3.8 GHz। और इसके साथ ही आपको 4MB की L3 कैश मेमोरी, 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स लगे हुए मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी मल्टीटास्किंग वेरी स्मूथली कर पाओगे। और अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 14 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 250 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और साथ ही आपको लैपटॉप के साथ AMD के रेडियन ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे अगर आप कंटेंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे व्यूज और ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। स्टोरेज वगैरह की अगर मैं बात करूं तो 8GB की एक्सपेंडेबल रैम आपको इसमें मिल जाएगी, जिसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। और साथ ही मिल जाएगी 512GB की SSD। तो वही स्टोरेज की तरफ से आपको किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर आपको एडिशनली कुछ देखा जाए तो बैकलिट कीबोर्ड, एलेक्सा सपोर्ट, विंडोज 11, MS Office का 2019 का वर्जन एंड अप टू 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपका लैपटॉप ओनली 45 मिनट में 0 to 50% तक चार्ज हो जाएगा। एंड लैपटॉप का जो वेट है वो है ओनली 1460 ग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और अगर फाइनली मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग की तो भाई लैपटॉप का नाम है HP 14S। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हो। लिस्ट का अगला जो लैपटॉप आता है वो आता है लिनोवो की तरफ से। और भाई लिनोवो भी काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करती है इस प्राइस पॉइंट पे। तो अगर मैं इस लैपटॉप के फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें आपको AMD का Ryzen 5 5th जनरेशन का चिपसेट मिल जाता है, जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 4 GHz। और इसमें आपको 6 कोर्स एंड 8MB की L3 कैश मेमोरी मिल जाती है, जिससे आप अपनी मल्टीटास्किंग वेरी स्मूथली कर पाओगे। स्टोरेज की मैं बात करूं तो 8GB की एक्सपेंडेबल रैम आपको इसमें मिल जाएगी, जिसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। और साथ ही मिल जाएगी 512GB की SSD। तो भाई स्टोरेज आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। डिस्प्ले की मैं बात करूं तो 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है, जिसपे आपको 250 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस एंड AMD के रेडियन ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपको लैपटॉप के अंदर व्यूज एंड ग्राफिक्स काफ़ी शानदार मिलते हैं। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अप टू 5 to 6 hours तक का बैकअप मिल जाएगा। और साथ ही आपको इसमें रैपिड चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपका लैपटॉप ओनली 1 घंटे में 0 to 80% तक चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 11 एंड ऑल नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने हिसाब से यूज़ कर पाओगे। एंड लैपटॉप का जो वेट है वो है ओनली 1700 ग्राम। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग की तो भाई लैपटॉप का नाम है लिनोवो V15। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हो। लिस्ट का नेक्स्ट जो लैपटॉप आता है वो आता है ऑनर की तरफ से। और ये लैपटॉप भी काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, बिकॉज इस लैपटॉप में आपको AMD का Ryzen 5 5th जनरेशन का चिपसेट मिल जाता है, जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 4 GHz। और इसके साथ ही आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स लगे हुए मिल जाते हैं, जिससे आपके मल्टीटास्किंग वेरी स्मूथली हो जाएगी। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी। और ये डिस्प्ले एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जो एक लैपटॉप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 8GB की रैम और 512GB की SSD आपको इसमें मिल जाएगी। एंड एडिशनली कुछ देखा जाए तो बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, पॉपअप कैमरा एंड विंडोज 11 आपको इस लैपटॉप में मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अप टू 6 to 7 hours तक का बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही आपको 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपका चार्जिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड लैपटॉप की जो बॉडी है वो मेटल से बनी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड स्ट्रॉन्ग रहती है। एंड लैपटॉप का जो वेट है वो है ओनली 1380 ग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और बल्की हो जाता है। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के प्राइसिंग की तो भाई लैपटॉप का नाम है ऑनर मैजिक बुक 14।
फॉर प्राइसिंग आपको लिंक के नीचे मिल जाएगी, आप वहां से जाके बाय भी कर सकते हो। तो भाई ये थे आज का हमारे टॉप लैपटॉप्स अंडर ₹35,000। अगर आपको इनमें से कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आया तो 2-3 लैपटॉप्स की लिंक मैं आपको नीचे और दे रहा हूँ, आप वो भी चेकआउट करके बाय कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आता है तो मैं तो भाई एक ही बात बोलूंगा आपको, साले तू।